अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको फाइव कॉजेज ऑफ दी सेग्रीगेशन इन अ कंक्रीट बताने जा रहा हूँ कि कौन सी फाइव कॉजेज आपके पास अकर होती हैं इन द सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट को, जो फोर्स करती हैं कि आपके पास जो कंक्रीट में है सेग्रीगेशन अकर हो। सेग्रीगेशन होती क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास सेग्रीगेशन होती क्या है। सेग्रीगेशन कहते हैं किसको, द सेपरेशन ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द कंक्रीट कॉल्ड सेग्रीगेशन। जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, अब होमोजीनियस में आपके पास क्या आ जाता है, एग्रीगेट हो गए, आपके पास सीमेंट हो गया, आपके पास फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, सो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सारा कुछ ऐड करके आपके पास एक कंक्रीट डेवलप होती है। तो सेपरेशन ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर के आपके पास जो एग्रीगेट है वो अलहदा हो गए, आपके पास जो सीमेंट पेस्ट है वो अलहदा हो गया, सो उसकी वजह से आपके पास सेग्रीगेशन अकर होती है। सबसे पहला हमारे पास मेजर फाइव कॉजेज हैं। सबसे पहला हमारे पास इट अकर्स बाय द यूज ऑफ एन ओवर वाइब्रेटर इन अ कंक्रीट। जब आप कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर यूज़ कर रहे होते हो ताकि आपके पास बीच में से जो है वो स्लरी ऊपर आ जाए, सीमेंट पेस्ट आपके पास बीच में होल्स जो हैं, एयर जो वॉइड्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, बीच में वाटर जो है वो टॉप पे आ जाए, ख़त्म हो जाए, सो आपके पास जो आपके पास वाइब्रेटर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप ओवर वाइब्रेटर यूज़ करते हो उसकी वजह से आपके पास सेग्रीगेशन अकर होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इट अकर्स ड्यू टू दी पुअर हैंडलिंग ऑफ द कंक्रीट। अब पुअर हैंडलिंग ऑफ द कंक्रीट में हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास कंक्रीट आप लेके जा रहे हो, आपने डंप्ड की उसको इरेगुलर वे में, आपने उसको डंप कर दी 1.5 मीटर के अबव की हाइट से आपने उसको गिरा दिया, सो उसकी वजह से भी आपके पास एग्रीगेशन अकर हो सकती है, क्योंकि आपके पास इतनी टॉप से आपने हाइट से उसको गिराया, सो आपके पास एग्रीगेट्स अलहदा हो जाते हैं, सो एग्रीगेट्स अलहदा होने की वजह से आपके पास बीच में जो है हनीकॉम्बिंग आ जाती है और सेग्रीगेशन अकर हो जाती है। सो पुअर हैंडलिंग की वजह से भी आपके पास सेग्रीगेशन अकर होती है। इट में अकर्स ड्यू टू दी वेरी वेट मिक्स। वेरी वेट मिक्स में आपके पास क्या आ जाता है कि वेरी वेट मिक्स में आपके पास है कि आपने वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा यूज कर दी है, आपके पास जो सीमेंट है वो बह के निकल गया, आपके पास एग्रीगेट्स पीछे रह गए, सो एग्रीगेट्स के बीच में होल्स आ गए, एयर आ गई, सो अगर 1% एयर हो तो आपके पास 15% जो है स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, सो इस वजह से भी आपके पास एग्रीगेशन अकर होती है वेट मिक्स की वजह से, बोथ वाटर सीमेंट रेशियो, आपने वाटर जो है बहुत ज्यादा ऐड कर दिया। फिफ्थ वन हमारे पास पॉइंट है इट में अकर ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट एंड द एग्रीगेट बॉन्ड। जो आपके पास सीमेंट पेस्ट है, जो आपके पास जो सीमेंट एंड वाटर का जो पेस्ट बना हुआ है एंड एग्रीगेट का, अब ये मिक्स के आपके पास एक कंक्रीट बनते हैं, सो इनका पेस्ट का एग्रीगेट जब आपके पास अलहदा हो जाते हैं सेग्रीगेशन अकर हो जाती है। सीमेंट पेस्ट आपके पास अलहदा हो गया, एग्रीगेट अलहदा हो गए, सो इसकी वजह से आपके पास सेग्रीगेशन अकर होगी। उसके बाद फिफ्थ वन जो पॉइंट है, इट में cause due to the use of the different weight or the size of the constituent material particles जो आप use कर रहे हो, सो आपने डिफरेंट वेट के जो आपने अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आपके पास डिफरेंट था कि आपने जो एग्रीगेट हैं वो 5 kg लेने, एग्जांपल कह रहा हूँ, आपने 5 kg लेने, सो आपने डिफरेंट वेट ले लिया, आपने 6 kg ले लिया, सो वो आपके पास जो एक डिज़ाइंड है प्रॉपर डिज़ाइंड है ताकि आपके एक प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव कर सको, तो आपने उससे हट गए, सो प्रॉपर आपने वेट नहीं सही लिया, उसका साइज़ आपने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आपके पास डिज़ाइन जो था कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर 20 mm का एग्रीगेट यूज़ करना है, सो आपने वहाँ पर 25 mm का कर लिया, तो इसकी वजह से भी आपके पास एग्रीगेशन अकर हो सकती है और होती है। कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड को समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।